मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में जहां 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क हादसों की वजह तेज रफ्तार और ड्रिंक एंड ड्राइव करने के चलते सामने आई है। पुलिस ने देर रात सड़क हादसों को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वाले और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों को रोककर पुलिस ने चालानी कार्यवाही की, तो वहीं देर रात संदिग्ध रूप से घूमने वालों की चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य शहर में हो रहे सड़क हादसों को रोकना है और शहर में संदिग्ध रूप से वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी बदमाशों पर नजर बनाए रखना है, इसलिए देर रात चेकिंग अभियान चलाया गया। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि विगत 2 दिवसों में शहर में 2 बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए हैं, जिसके चलते ये ड्राइव चलाई जा रही कि रात को सजग रूप से चेकिंग की जा रही है पुलिस द्वारा, जिसके चलते जो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के कुछ मामले हैं उसको नज़र में रखते हुए चेकिंग की जा रही है, जिससे शहर में देर रात को होने वाले कुछ हादसे कंट्रोल किए जाएँ और अगर आपराधिक तत्व निकल के आते हैं तो उन पर भी कंट्रोल किया जा सके। भी ऑब्वियसली ये चेकिंग का पर्पज़ है कि जो आउटर की जो चेकिंग आपने जैसा बताया कि आउटर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, शहर में भी कुछ जैसे अन्य वारदातें हुई हैं, तो पुलिस की प्रेजेंस रोड पे देर रात को दिखे, यही हम वरिष्ठ अधिकारियों का हमारा औचित्य है। इसी के चलते पुलिस के द्वारा ये ड्रिल की जा रही है।